नमस्कार, राजभर्तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर्तक। हम आपको खबर बताते हैं कि भारत में पहली बार राजभर समाज के ऑल इंडिया के सभी रजिस्टर्ड संगठनों की सभा लखनऊ में 12 जुलाई 2021 को दारुसफा में होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब आदि के रजिस्टर्ड संगठन ही भाग लेंगे और पूर्वांचल के सभी जिलों में से कम 5 से 10 राजभर संगठन। यह कार्यक्रम विश्व राजभर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसके महासचिव हरीश राजभर जी ने एक वीडियो संदेश में बताया है। आइए हम आपको महासचिव हरीश राजभर जी की उस बातों को सुनाते हैं। उससे पहले, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। नमस्कार मित्रों, मैं हरीश राजभर विश्व राजभर फाउंडेशन से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने वाले तमाम मेरे राजभर समाज के बंधुओं और मेरे कार्यकर्ताओं जो जिम्मेदार पदों पर हैं, कृपया आप सभी लोग इसे अपने तक न रखें, इसे आगे फॉरवर्ड करें और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही एक इमोशनल बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि हमारा समाज आज 70 सालों के ऊपर हो गया है और आरक्षण की लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बुजुर्गों ने 70 साल का समय आज बीत गया, हमें कामयाबी नहीं मिली और हम दिन प्रतिदिन हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी रहन सहन और हमारे समाज के तमाम रहने वाले गरीब प्रति के लोग आज अपने जीवन यापन के लिए कितनी कठोर तपस्या से गुजर रहे हैं और कितनी परिस्थितियां खराब है, आज मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता हूं, न मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपने मेरी तरह गांव में जा जा कर के लोगों के घर और मकान को अगर देखे होते तो आपको समझ में आता कि 80% से ऊपर 90% तक लोगों के घर के बाहर चारपाई बिछाने की जगह नहीं। सोचिए तो भी वो अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़ा रहे, लिखा रहे, पढ़ाने लिखाने का सिलसिला जारी है। आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह समाज पढ़ लिख करके कुछ काबिल बने और अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाए कि हमें सचिवालय से लेकर के गांव तक हमारे पदाधिकारी बने, जिले हो, गांव हो, ब्लॉक हो या किसी भी स्तर में हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मिलिट्री विभाग हो। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके उस काबिल, उस मुकाम तक पहुँचे? तो मित्रों, आज आरक्षण एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते लोगों ने यहाँ तक पहुँचे हैं हम। तो आज 12 जुलाई 2021 को जो है कि लखनऊ में दारुलसफा के अंदर में समाज के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों से हमने आग्रह किया और हम आज भी आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग उपस्थित होकर के एसटी के आरक्षण के लिए, एसटी के आरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र व्यवहार करना है कि हमारा सभी समाज जो है अति पिछड़ा हुआ है और पिछड़े से पिछड़ा हुआ है, इसकी स्थिति सही नहीं है, यह लिख करके जो है कि पत्र व्यवहार हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से करनी होगी। और करने के बाद में मैं अपने उनका तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि आज जितना हमारा संगठन कार्य कर रहा है विश्व राजभर फाउंडेशन, उन तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है जो लखनऊ में रहते हों या आसपास में नज़दीक हों, वो उन सभी संगठन के पदाधिकारियों का स्वागत करने के लिए कृपया जो है कि दारुलसफा जरूर पहुँचे, लखनऊ जरूर आए। हम चाहते हैं मित्रों कि अपनी इस अपनी हर परिवार, हर घर की लड़ाई को आज हमारे संगठन के माध्यम से, अन्य संगठनों के माध्यम से समाज की बातों को जो है कि हम प्रधानमंत्री जी के सामने रखें और उन्हें बता दें कि आज हम सब एक हैं, सारे संगठन एक हैं, राजभर समाज जाग चुका है, इसे अब आरक्षण देना ही होगा, अन्यथा बाकी जो करना होगा, आगे की जो लड़ाइयाँ हैं वह भी जारी रहेगी। मुकदमा भी किया गया है, PILB इलाहाबाद हाईकोर्ट में विश्व राजभर फाउंडेशन द्वारा दाखिल किया गया है, शायद आप सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। कृपया हमारी मेहनत पर
पानी न फिर जाए और हमारे मेहनत बेकार न जाए, इसलिए तमाम मित्रों से गुजारिश है कि आप सभी लोग वहाँ आए, इस पर चर्चा होगी, इस पर बैठक होगी, इस विषय पर जो है कि नई रणनीतियाँ तैयार होगी। यह बहुत मुख्य मीटिंग है, एक छोटी सी मीटिंग है। कृपया आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आने वाले सभी अतिथियों का आप लोग स्वागत और सत्कार अपने हाथों द्वारा करें। धन्यवाद। जय सुरेंद्र देव, जय विश्व राजभर भर फाउंडेशन।